नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और आपको अब अपने स्टेयरकेस के लिए रेलिंग का सिलेक्शन करना है और आप फ्रेंड्स मटेरियल में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम MS की रेलिंग लें, SS रेलिंग लें या वुडन रेलिंग लें, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम तीनों जो रेलिंग है उनमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी रेलिंग इनमें से सबसे बेस्ट होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से एंड तक समझ के पूरा देखिएगा और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं MS रेलिंग, SS रेलिंग और वुडन रेलिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनमें से कौन सी रेलिंग सबसे अच्छी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी स्ट्रेंथ की। तो देखिए दोस्तों जो MS रेलिंग होती है हमारी वो स्टेनलेस स्टील से तो थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन वुडन रेलिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर बात करें दोस्तों अगर SS स्टील की, SS रेलिंग की, तो SS रेलिंग जो होती है दोस्तों उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो MS रेलिंग और वुडन रेलिंग दोनों से ही ज़्यादा होती है। फिर बात आती है दोस्तों वुडन रेलिंग की, तो देखिए इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो चाहे SS रेलिंग हो चाहे MS रेलिंग हो इसकी स्ट्रेंथ दोनों से ही कम होती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिज़ाइन और वेराइटी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं MS रेलिंग को किसी भी डिज़ाइन और वेराइटी में इसका फैब्रिकेशन किया जा सकता है। SS रेलिंग तो दोस्तों पॉपुलर ही इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हमको देखने को मिलती है। और बात करें वुडन रेलिंग की तो इसमें भी हमको काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिज़ाइन और वेराइटी के मामले में तीनों ही रेलिंग में आपको अच्छे और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। डिज़ाइन और वेराइटी के बाद में बात आती है दोस्तों ड्यूरेबिलिटी की। तो देखिए MS स्टील जो होता है ये थोड़ा सा कम ड्यूरेबल होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करें SS रेलिंग की, तो देखिए वुडन रेलिंग के मुकाबले में तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है लेकिन MS रेलिंग के मुकाबले में इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक ये चलता है। फिर बारी आती है वुडन रेलिंग की, तो देखिए ये जो है चाहे MS रेलिंग हो चाहे SS रेलिंग हो दोनों से ही थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ चलती है, जिसका अदर मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो चाहे MS रेलिंग हो चाहे SS रेलिंग हो दोनों से ही ज़्यादा होती है। ड्यूरेबिलिटी के बाद बारी आती है दोस्तों मेंटेनेंस की, तो देखिए MS रेलिंग जो होती है उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हर 2-3 साल में आपको इसका मेंटेनेंस करवाना ही पड़ता है। जबकि बात करें अगर SS रेलिंग की तो ये आसानी से क्लीन हो जाती है और जो मेंटेनेंस है वो भी इसका बहुत ही कम होता है। दूसरा फ्रेंड्स तीसरी आती है हमारी वुडन रेलिंग, इसका भी फ्रेंड्स मेंटेनेंस काफ़ी आसान होता है और जो क्लीनिंग वगैरह होती है इसकी वो भी काफ़ी आसानी से हो जाती है। मेंटेनेंस के बाद बारी आती है दोस्तों कोरोशन रेसिस्टेंट की, यानी कि जंग लगने की प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसकी। तो देखिए जो MS रेलिंग होती है हमारी वो कोरोशन रेसिस्टेंट नहीं होती है, इसलिए इसको हमेशा आपको पेंट करके प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, जिस वजह से इसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। फिर आती है दोस्तों SS रेलिंग, तो देखिए इसमें क्या होता है रस्टिंग इसमें होती नहीं क्योंकि इसका नाम ही है स्टेनलेस स्टील, तो रस्टिंग इतनी आसानी से इसमें होती नहीं है जिस वजह से इसको मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाता है। और बात करें वुडन रेलिंग की तो इसमें तो वैसे भी रस्टिंग नहीं होती है। कोरोशन रेसिस्टेंट के बाद बारी आती है दोस्तों वेट की, तो देखिए MS रेलिंग का जो वेट होता है वो SS रेलिंग और वुड रेलिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। SS रेलिंग की बात करें तो वेट इसका कम होता है MS रेलिंग से, और वुडन रेलिंग की भी अगर बात करें तो इसका भी जो वेट है वो MS रेलिंग से कम होता है। फिर आती है बारी दोस्तों एस्थेटिक की, यानी कि इसके लुक की, तो देखिए MS रेलिंग जो होती है इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है एस्थेटिकली। बात करें SS रेलिंग की तो ये एक सिल्वर वाइट शाइनी अपीयरेंस देती है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और वुडन रेलिंग जो होती है हमारी वो भी एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है। फिर आती है दोस्तों बारी कॉस्ट की, तो MS रेलिंग जो होती है दोस्तों वो बहुत ही सस्ती होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। बात करें SS रेलिंग की तो MS रेलिंग से थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है लेकिन वुड रेलिंग से सस्ती होती है। फिर आती है वुड रेलिंग, तो वुड रेलिंग जो होती है दोस्तों वो किसी भी टाइप की मेटल की रेलिंग से आपको एक्सपेंसिव ही पड़ेगी। अब दोस्तों कॉस्ट के बाद हम बात करेंगे इसके लाइफ स्पान की, तो देखिए जो हमारी MS रेलिंग होती है उसका जो लाइफ स्पान है वो
वो एसएस रेलिंग से तो कम होता है, लेकिन वुडन रेलिंग से जो है इसका लाइफ स्पान यानी कि कितने टाइम तक चलेगी, तो ये एसएस रेलिंग से तो कम चलती है लेकिन वुडन रेलिंग से ज़्यादा चलती है। फिर आती है दोस्तों हमारी एसएस रेलिंग। तो देखिए, चाहे हाई ह्यूमिडिटी हो चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो, ये इतनी इजीली डैमेज नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इसका जो लाइफ स्पान है वो ज़्यादा होता है। फिर फ्रेंड्स बात करें वुडन रेलिंग की, तो हाई ह्यूमिडिटी और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इजीली डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो लाइफ स्पान है वो ज़्यादा नहीं होता है। फिर बारी आती है दोस्तों हार्डनेस की। तो एसएस रेलिंग की कंपैरिजन में एमएस रेलिंग कम हार्ड होती है। इसकी जो हार्डनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और वुड रेलिंग की अगर बात करें तो इसकी हार्डनेस लकड़ी पर डिपेंड करती है कि कौन सा टिम्बर हमने इसमें यूज़ किया है बनाने में। हार्डनेस के बाद बारी आती है दोस्तों पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट की। तो देखिए, एमएस रेलिंग और एसएस रेलिंग तो दोनों मेटल हैं, तो इन दोनों में आपको पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लकड़ी में आपको पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। आपको इसका पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करवाते रहना पड़ता है। तो अब फ्रेंड्स इससे कंक्लूज़न हमारा ये निकलता है, और जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बिना सोचे समझे, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप लोग बिना सोचे बिना समझे जो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, ड्यूरेबल भी रहेगी, दिखने में भी अच्छी रहेगी, आप स्टेनलेस स्टील वाली स्टेयर केस की रेलिंग की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको एक एस्थेटिक लुक भी प्रोवाइड करती है, दूसरा प्रॉपर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये थोड़ी सी महंगी तो पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए काफ़ी एफिशिएंट रहेगी, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस नहीं है, बार बार आपको रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाना पड़ती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा एमएस रेलिंग, एसएस रेलिंग और वुडन रेलिंग के बीच में डिफरेंसेस, और मैंने अपने तरफ से आपको सजेशन दिया कि आपको कौन सी रेलिंग सबसे बेहतर रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। बाकी फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।